हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि पैटर्न फाइलन पार्ट से ये थोड़ा अलग होता है। ये अलग किस लिए होता है आज उसकी बात कर लेते हैं। पैटर्न जो थोड़ा बहुत अलग होता है फाइनल पार्ट से, वो पैटर्न अलाउंसेज की वजह से होता है। बेसिकली अगर अलाउंसेज की बात करें तो ये 5 टाइप की होती हैं। सबसे पहले आती है श्रिंकेज अलाउंसेज, दूसरी ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेज, थर्ड मशीनिंग और फिनिश अलाउंसेज, डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंसेज, और लास्ट आती है रैपिंग अलाउंसेज। अगर हम श्रिंकेज अलाउंस की बात करते हैं तो जब लिक्विड मेटल सोलिडिफाई होता है तो उसमें श्रिंकेज हो जाती है और फाइनल पार्ट की डायमेंशन को यह इम्पैक्ट करता है। श्रिंकेज अलाउंस से डिपेंड करती है मेटल की प्रॉपर्टीज पर, पैटर्न, गेटिंग और राइजर के डिजाइन पर भी। इस श्रिंकेज को कंपरसेंट करने के लिए पैटर्न थोड़ा ओवर साइज का बनाया जाता है। ध्यान रखिए ग्रे कास्ट आयरन में नेगेटिव श्रिंकेज अलाउंसेज दी जाती है, मतलब पैटर्न फाइनल कास्टिंग से थोड़ा कम साइज का बनाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि ग्रे कास्ट आयरन में ग्रेफाइट फ्लैंक्स की फॉर्मेशन होती है और उसकी वजह से कास्टिंग थोड़ा ओवर साइज का बन जाता है। ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेज, पैटर्न की वर्टिकल सरफेस में टेपर अलाउंसेज दी जाती है ताकि पैटर्न को आसानी से निकाला जा सके, नहीं तो कॉर्नर्स में टूटने का डर रहता है। थर्ड आती है मशीनिंग और फिनिश अलाउंसेज। कास्टिंग प्रोसेस में आपको पता है कि फिनिश और टॉलरेंस एक्यूरेसी तो पुअर होती है। टू अचीव दैट फिनिश और टॉलरेंस, मशीनिंग की जरूरत होती है और मशीनिंग ऑपरेशन के लिए पैटर्न में ये अलाउंसेज दी जाती हैं। डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंसेज, कुछ शेप्स की कास्टिंग जैसे UVTL लैक्स की ओर से ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाती हैं, मतलब डायमेंशन स्टेबिलिटी नहीं रहती या बल्ज हो जाती हैं। इसके लिए पैटर्न में अपोजिट साइड की शेप दी जाती है ताकि जो फाइनल पार्ट है ना वो करेक्ट डिजाइन, रिक्वायर्ड डिजाइन के अकॉर्डिंग बने। लास्ट आता है रैपिंग अलाउंसेज। मोल्ड वॉल्स में क्लियरेंस की जरूरत होती है, उसके लिए रैपिंग अलाउंसेज दी जाती हैं ताकि वो क्लियरेंस अच्छी तरह से मेंटेन हो सके। दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की पैटर्न अलाउंसेज के बारे में, जो 5 अलाउंसेज हैं, श्रिंकेज अलाउंसेज, ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेज, मशीनिंग और फिनिश अलाउंसेज, डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंसेज, और लास्ट आती है रैपिंग अलाउंसेज। मिलता हूँ एक नई वीडियो में। इस वीडियो को ब्रेक देते हैं यहीं पर। आप चैनल की प्लेलिस्ट में छान सकते हैं ताकि कुछ मिल जाए पढ़ने के लिए, आपके फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए। धन्यवाद।